हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक ट्रेन के कितने किलोमीटर चले जाने के बाद दूसरे ट्रेन को लाइन क्लियर दिया जाता है, मतलब कि दोनों ट्रेनों के बीच कितने किलोमीटर की गैप को मेंटेन किया जाता है, इसके पीछे क्या रूल और रेगुलेशन है, इन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ट्रेन में सफर करते हुए आपने अक्सर गौर किया होगा कि जब किसी स्टेशन पर आपकी ट्रेन को रोककर किसी ट्रेन को पास दिया जाता है तो आपके मन में यह जरूर ख्याल आता होगा कि मेरी ट्रेन कितने देर बाद चलेगी। दोस्तों, ट्रेन के संचालन के लिए इंडियन रेलवे में दो टाइप के सिस्टम का यूज किया जाता है। पहला है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम और दूसरा है ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम ब्रिटिश के द्वारा डिजाइन किया गया सिस्टम था जो कि ट्रेनों के सेफ ऑपरेशन के लिए किया जाता है। इंडियन रेलवे में कुछ जगहों को छोड़कर लगभग सभी जगह यही सिस्टम यूज किया जाता है। इस सिस्टम में एक समय में एक ब्लॉक के अंदर एक ही ट्रेन को भेजा जा सकता है, जिसमें कि एक ब्लॉक का डिस्टेंस नॉर्मली 6 से 8 किलोमीटर की होती है। मतलब कि एक स्टेशन ए से स्टेशन बी की दूरी अगर 6 से 8 किलोमीटर की है तब ट्रेन को स्टेशन ए से जाने के लिए सिग्नल तभी मिलेगी जब वह ट्रेन स्टेशन बी को पार कर जाए। तो स्टेशन ए के स्टेशन मास्टर के पास एक घंटी की आवाज आती है जिससे यह पता चलता है कि ट्रेन अगले स्टेशन को पार कर गई है और तब स्टेशन मास्टर सिग्नल दे देता है। दोस्तों, अगर स्टेशन ए से स्टेशन बी की दूरी 10 से 15 किलोमीटर की हो तब इस सिस्टम के मुताबिक ट्रेन को ज्यादा टाइम तक रोकना पड़ जाएगा क्योंकि 15 किलोमीटर जाने के बाद ही लाइन क्लियर होगा। इस समस्या से निपटने के लिए 10 से 15 किलोमीटर वाले स्टेशनों के बीच में एक इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन IBS लगाया जाता है जो कि दोनों स्टेशनों के बीच में होता है। जब ट्रेन इस इंटरमीडिएट ब्लॉक सेक्शन को पार कर लेगी तब स्टेशन मास्टर को पता चल जाएगा और वह सिग्नल दे देगा। इस तरह से एब्सोल्यूट सिग्नल में दो ट्रेनों के बीच हमेशा 6 से 8 किलोमीटर की गैप को मेंटेन किया जाता है और इसके लिए लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम लग जाता है। ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग में ऐसा नहीं होता है, इसमें हर 500 मीटर की दूरी पर सिग्नल लगे होते हैं जिसके 4 एस्पेक्ट होते हैं जो कि ट्रैक सर्किट द्वारा ट्रेन के गुजरने पर अपने एस्पेक्ट को ऑटोमेटिक चेंज करते हैं। दोस्तों, ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग को समझने के लिए इस ड्राइंग को देखिए, यहाँ पर उसकी पूरी वर्किंग को दिखाया गया है। इसमें जो है 4 एस्पेक्ट हैं, एक ग्रीन है, एक रेड है, एक येलो है और एक डबल येलो है। तो इसमें कैसे ये ऑटोमेटिक चेंज होते हैं, ये जो सारे सिग्नल होते हैं इनको एक ब्लॉक सेक्शन में बांट के 500 मीटर की दूरी पर इन सारे सिग्नल को लगाया गया है और जहाँ जहाँ पर ये सिग्नल लगे हैं वहाँ पर ट्रैक सर्किट होते हैं। ट्रैक सर्किट क्या होते हैं, इसके बारे में ये काम कैसे करते हैं, सारी डिटेल्स पर एक मैंने वीडियो बना दी है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो जैसे ये ट्रेन क्रॉस करती है तो उसके जो है क्रॉस करने के मुताबिक ये अपने एस्पेक्ट को चेंज करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है कि ट्रेन एकदम लाइन क्लियर है और ट्रेन अपनी फुल स्पीड में आगे जा सकती है। रेड सिग्नल का मतलब होता है कि ट्रेन को वहाँ पर रुकना है। येलो सिग्नल का मतलब होता है कि कॉशन है, यानी कि उसका अगला सिग्नल जो है रेड होगा, इसलिए यहाँ पर आने के बाद अपनी स्पीड को मेंटेन करेंगे जो कि 30 किलोमीटर पर आवर की होती है। मतलब कि येलो सिग्नल के बाद हमेशा जो है रेड सिग्नल मिलेगा ही, इसलिए लोको पायलट को येलो सिग्नल देख के सतर्क रहना है। डबल येलो का मतलब होता है कि 50 से 60 किलोमीटर के स्पीड में या 40 से 50 किलोमीटर के स्पीड में वो जा सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि ये सिग्नल जो है पूरी तरह से ग्रीन है, मतलब कि पूरी लाइन जो है क्लियर है, तो ये जो यहाँ पर ये ट्रेन को देख रहे हैं, ये ट्रेन जो है अपनी फुल स्पीड में आगे की ओर जा सकती है। जैसे ये ट्रेन जो है फर्स्ट वाले सिग्नल को क्रॉस करेगी, मान लीजिए यहाँ पर आ गई क्रॉस करके, तो ये इसका पीछे वाला सिग्नल जो है ये रेड हो जाएगा, मतलब कि इसके पीछे जो ट्रेन है वो अभी रुकी रहेगी। जैसे ही ये ट्रेन जो है इस सिग्नल को क्रॉस करके यहाँ पर पहुँच जाए तो उसके पीछे वाला सिग्नल जो है ये रेड हो जाएगा और उसके पीछे वाला सिग्नल जो है येलो हो जाएगा, मतलब कि इसके पीछे जो भी ट्रेन होगी वो 30 किलोमीटर के स्पीड में आगे बढ़ना शुरू कर देगी यहाँ से ऑटोमेटिक। ये सारे ऑटोमेटिक होते हैं, इसमें स्टेशन मास्टर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि ये ट्रेन जो है आगे बढ़ के इस सिग्नल को पार करते हुए यहाँ पर पहुँचाए तो इसके पीछे वाला जो सिग्नल है वो रेड हो जाएगा, उसके पीछे वाला सिग्नल जो है वो येलो हो जाएगा और उसके पीछे वाला जो है ये डबल येलो हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो भी ट्रेन होगी वो अपनी जो है 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड में आगे बढ़ेगी और यहाँ तक आते आते वो अपनी 30 किलोमीटर की स्पीड को मेंटेन कर लेगी और यहाँ आते आते वो रुक जाएगी।
अब मान लीजिए कि ये ट्रेन जो है इस सिग्नल को क्रॉस करके यहाँ आ जाए, तो इसके पीछे वाले सिग्नल ये जो है रेड हो गए, उसके बाद ये येलो हो गया, उसके बाद ये डबल येलो हो गया और यहाँ पर ये ग्रीन हो गया। अब यहाँ पर अगर कोई ट्रेन होगी तो यह अपनी फुल स्पीड में आगे की ओर बढ़ेगी, यहाँ आते आते वो अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर लेगी और यहाँ आते आते वो अपनी स्पीड को 30 कर लेगी, क्योंकि उसको पता है कि उसका आगे वाला सिग्नल रेड है। तो इस तरह से ये सारे सिस्टम जो है ऑटोमेटिक काम करते हैं और इनके एस्पेक्ट जो है ट्रैक सर्किट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। इस तरह से आप समझ गए कि इंडियन रेलवे में दो टाइप के सिस्टम, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम और ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग किस तरह से काम करता है। दोस्तों, ये जो ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग है ये अभी सभी जगह लागू नहीं हुए हैं। अगर ये सभी जगह हो जाए तो ट्रेनों के जो लेट होने की स्थिति बनती है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो अभी धीरे धीरे करके हमारी इंडियन रेलवे कर रही है, आगे हो सकता है कि हमारे सारे रूट पे ये ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम जो है काम करने लगे। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।